तो साथियों आप सबका इस्तकबाल करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कस्टम बिड। हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि कस्टम बिड क्या होता है और कस्टम बिड कैसे लगाया जाता है और कस्टम बिड की ज़रूरत क्यों पड़ती है। और इस वीडियो में मैं आपको कस्टम बिड पब्लिश करके दिखाने वाला हूँ। मुझे कुछ प्रोडक्ट चाहिए जो कि अवेलेबल नहीं है जैम पे, तो उस केस में मुझे कस्टम बिड लगानी पड़ रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कस्टम बिड होता क्या है। दोस्तों कस्टम बिड क्या होता है कि जब किसी सेलर किसी परचेजर को कोई प्रोडक्ट ख़रीदना होता है और वो अवेलेबल ना हो जैम पर, तो जैम पर अवेलेबल ना हो उस केस में वो क्या करता है कि उसको कस्टम बिड पब्लिश करनी पड़ती है। उसको बताना पड़ता है सेलर को कि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए और ये जैम पर अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए उसको कस्टम बिड लगानी पड़ती है। अच्छा, कस्टम बिड लगाते कैसे हैं वो तो अभी आपको वीडियो में पता चल जाएगा। उससे पहले मैं बता दूं कि आपको कस्टम बिड पब्लिश करने के लिए दो तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपको कम से कम 3 फ़ोटो चाहिए उस प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट आपको परचेज़ करना है। उसके बाद आपको एक पेज में स्पेसिफिकेशन बना लीजिए, मतलब कि आप वर्ड की फाइल में टाइप कर लीजिए स्पेसिफिकेशन, जो स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट में आपको चाहिए वो उसको टाइप कर लीजिए और उसको PDF फाइल में बना लीजिए। तो ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अपलोड करना पड़ता है, तो इसको आपको कस्टम बिड लगाते समय अपने पास रखना होगा। उसके बाद आप जब अपने जैम पोर्टल को लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपको जैम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट मिलती है, मतलब कि जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता है सबसे पहला हमारा काम होता है कि उसके लिए नॉन अवेलेबिलिटी हम निकाल लें। होता क्या है कि जब हम जैम पे कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है और उसको हम बाहर से परचेज कर रहे हैं तब भी हमें जैम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जैम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट सबसे पहला कदम है, आपको सबसे पहले जा करके जैम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट निकाल लेनी है उसकी, जो प्रोडक्ट आपको चाहिए और जैम पर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने एक प्रोडक्ट का जैम अवेलेबिलिटी पहले से बना रखा है। इसको कैसे बनाते हैं दोस्तों, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, अगर आपको नहीं पता तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही आसान होता है, 2 मिनट में आप जो है जैम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ लास्ट में देखिए एक ये है, ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए जिसका जो अवेलेबल नहीं है और अवेलेबल है भी तो वो नहीं है जो स्पेसिफिकेशन मुझे चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ नॉन अवेलेबिलिटी बना रखा है। और यहाँ पे देखेंगे आपको 3 बटन मिलते हैं, शो रिपोर्ट मिलता है, डाउनलोड मिलता है, सेटिंग मिलता है। तो आपको इस सेटिंग पे चले जाना है। ध्यान रहे दोस्तों हम कस्टम बिड लगा रहे हैं, कस्टम बिड लगाने के लिए जो प्रोसेस होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कस्टम बिड कैसे लगाते हैं वो प्रोसेस अभी यहाँ चल रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है क्रिएट कस्टम कैटलॉग, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, एक तरह से कंसेंट होता है। तो इस पे आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 बटन मिलती हैं आपको, क्रिएट कस्टम कैटलॉग, यूज एग्जिस्टिंग। तो पहले हमें क्रिएट कस्टम कैटलॉग पे जाना है, यूज एग्जिस्टिंग बाद में यूज होगा। यहाँ पे दोस्तों ये एक फॉर्म मिलता है, तो कस्टम बिल्ड लगाने के लिए बस यही वाला जो फॉर्म होता है मेन, इसी डिटेल को आपको भरनी होती है, जहाँ पे 4-5 डिटेल होती है। यहाँ पे टाइटल होता है यानी कि प्रोडक्ट का नाम होता है, रेफरेंस प्राइस फॉर कैटलॉग, मतलब कि आप लमसम प्राइस जो है वो डाल सकते हैं कि प्रोडक्ट इतने का अवेलेबल है। सेलिंग यूनिट जो होता है उसको आपको भरना होता है नंबर्स में, कितने नंबर्स कितने प्रोडक्ट आपको चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आते हैं एड सिमिलर कैटेगरी, तो सिमिलर कैटेगरी मतलब जो प्रोडक्ट आपका है उसी से रिलेटेड कोई भी कैटेगरी जैम पे ढूंढ लीजिए और उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। मैं सारा फॉर्म भर के दिखाऊंगा आपको, करके दिखाऊंगा। इसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में जो HSN नंबर आता है सेकंड लास्ट, इसको आप छोड़ सकते हैं चाहे तो। और यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट में मैंने जो आपको बताया था वो फाइल PDF की वो फाइल अपलोड करनी है जिसमें आपने स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको 3 फोटो अपलोड करने हैं। चलिए मैं इसको भर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का नाम डाल देता हूँ, रेफरेंस प्राइस डाल देता हूँ, लमसम अमाउंट डाल देते हैं, सेलिंग यूनिट क्योंकि ये कितनी क्वांटिटी है जो बतानी होती है वो नंबर्स में हमें चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, तो हम इसको हम नंबर्स में रखेंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगले ऑप्शन पे जब जाएंगे तो हमें यहाँ पे कैटेगरी यूज़ करनी है, ऐड कैटेगरी करनी है, कैटेगरी को हम यहाँ पे ऐड करेंगे इसी से रिलेटेड कोई भी कैटेगरी। तो मैं सेम नाम जो है कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे जाके पेस्ट करूँगा ताकि सिमिलर कैटेगरी कुछ दिखाई दे। पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखाएगा इससे रिलेटेड। आप नाम को यहाँ टाइप भी कर सकते हैं, जब टाइप करेंगे तो स्टार्टिंग के जो लेटर होगा उससे वो मिली जुली जो है कैटेगरी वो उठा लेगा। तो यहाँ पे इससे मिली जुली कैटेगरी मुझे मिल गई है, मैंने इसको डाल दिया। और ये देखिए यहाँ पे 3 कॉलम फिल हो गया है, अब इसको ओके कर देंगे।
उसके बाद HSN नंबर आप छोड़ सकते हैं, और यहाँ पे तीन फोटो आपको अपलोड करनी है उस प्रोडक्ट की। तो तीनों फोटो अपलोड करने के बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आप अगले पेज पे आ जाएंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपसे डिटेल वेरीफाई करने के लिए कहेगा, आप चाहे तो वहाँ राइट साइड में बटन मिलेगा, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं कुछ अगर आपको लगे। यहाँ नीचे आपको दो बटन मिलती है, एडिट और पब्लिश, तो आपको पब्लिश पे पब्लिश कर देना है। जैसे आप इसको पब्लिश करेंगे तो ये दिखाएगा पेंडिंग कस्टम कैटलॉग। अब दोस्तों ये जो पेंडिंग कस्टम कैटलॉग है, मतलब कि 15 से 20 मिनट लगते हैं, आपका जो कस्टम कैटलॉग है या कस्टम बिड जो है वो पब्लिश हो चुकी है। इसको देखना कैसे है, वापस आप डैशबोर्ड पे जाइए, उसके बाद डैशबोर्ड पे जाना है। यहाँ डैशबोर्ड पे जाने के बाद वापस आपको वहीं जेम एबिलिटी रिपोर्ट पे जाना है, और फिर से वहाँ सेटिंग वाली बटन पे आपको जाना है। सेटिंग वाली बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे दिखा रहा है प्रोडक्ट पेंडिंग टू बी पब्लिश्ड, तो ये 15-20 मिनट में अपलोड हो जाता है। तो हम वेट करते हैं जब ये पब्लिश हो जाएगा, उसके बाद जो है मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा कि अब क्या करना होता है। तो दोस्तों मैं पूरे 24 घंटे के बाद खोल रहा हूँ पोर्टल, और उसके बाद हम वापस फिर से जेम एबिलिटी रिपोर्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद नीचे आएंगे, और देखिए यहाँ पे ये प्रोडक्ट था हमारा, इसकी हमें सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद जब हम जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि वहाँ पे क्या क्या चेंजिंग। और देखिए यहाँ व्यू क्रिएटेड कैटलॉग, यानी कि हमारा जो कैटलॉग है, हमारा जो बिड है वो पब्लिश हो चुका है, कस्टम बिड हमारा पब्लिश हो चुका है। अब यहाँ पे दोनों ही बटन को आपको क्लिक करना है। देखिए क्या होता है, एक होता है व्यू क्रिएटेड कैटलॉग, तो अगर इस पर मैं व्यू करूँगा, व्यू करके आपको दिखाऊंगा, तो आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए वही प्रोडक्ट है, वही फोटो है, वही प्राइस है, और ये यहाँ पे जैम पे पब्लिश हो चुका है। ध्यान रहे दोस्तों, ये परचेजर की तरफ से है, सेलर की तरफ से नहीं है, ये परचेजर की तरफ से है, उसने बिड डाली है, कस्टम बिड डाली है। अब यहाँ दूसरी जो बटन है यूज़ क्रिएटेड कैटलॉग, तो इसी को यूज़ करना होता है। अब परचेजर को क्या करना है, अभी तो सिर्फ ये पब्लिश हुई है, अब इसको यूज़ वाली बटन पे जा करके, और यहाँ पे सेम, अब ये प्रोडक्ट दिखा रहा है, अब इसको सेम जैसे हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, परचेज करते हैं, सेम वही प्रोसेस यहाँ से आपको करना है। तो ऐड टू कार्ट करेंगे और इसको प्रोसेस कर देंगे, मतलब इसका हम बिड लगा देंगे। बिड कैसे लगाते हैं दोस्तों, यहाँ से मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर कि बिड कैसे लगाते हैं, हालांकि मैं इसमें आधे से ज़्यादा प्रोसेस करके दिखा दूंगा आपको। यहाँ पे देखिए ऐड टू कार्ट करेंगे, क्वांटिटी हमने एक लिया है, ऐड टू कार्ट करके करने के बाद ये कार्ट में ऐड हो जाता है, और यहाँ से हम प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं, यानी कि हम बिड लगाते हैं। अभी दोस्तों मैं बिड लगा रहा हूँ, ध्यान रहे दोस्तों हमारा कैटलॉग पब्लिश हुआ है, अभी यहाँ पे हम बिड पब्लिश कर रहे हैं उसी का प्रोडक्ट का। इससे क्या होगा कि जो सेलर होता है वो सेलर को नोटिफिकेशन चला जाएगा, और वो जा करके यहाँ पे कस्टम बिड एज ए कस्टम बिड जो है बिडर वो पार्टिसिपेट कर लेगा। तो ये प्रोसेस जो अभी मैं कर रहा हूँ ये सेम प्रोसेस है, चाहे आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए बिड लगाते हैं तो वही प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करना है, बिल्कुल सेम। यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड किया था, चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड का बटन दिखा रहा है। ये वही एक पेज का स्पेसिफिकेशन है जो मैंने इस प्रोडक्ट का बनाया था, ये स्पेसिफिकेशन भी मैं आपको अभी आगे दिखा दूंगा कि मैंने किस तरह से बनाया था, क्या क्या डिटेल इसमें डाली थी। तो इसको सेव करके आगे बढ़ जाएंगे, फिर से यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, और इसको एज इट इज सेव पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ओके कर देंगे, फिर से यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और फिर आपको ये पेज मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको याद आ गया होगा कि हमें जो है बिड की ड्यूरेशन बतानी होती है और बिड की डिटेल डालनी होती है, वो आप डाल सकते हैं, मतलब ये नॉर्मल प्रोसेस है। इससे आगे की अगर वीडियो देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि बिड कैसे पब्लिश करते हैं, तो बिड वाली जो वीडियो है वो देख सकते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। बस मेन जो होता है वो होता है ऐड टू कार्ट। तो कोई भी जैम पोर्टल यूज़ कर रहा है दोस्तों, उसको पता है कि ऐड टू कार्ट करने के बाद हमें प्रोडक्ट को या तो परचेज करना होता है या फिर उसकी बिड लगानी होती है। तो वहाँ तक मैंने आपको बता दिया, उसके बाद का प्रोसेस आपको पता है, आप बड़ी ही आसानी से
इस बिड को प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के लिए बिड को पब्लिश कर सकते हैं। जो सेलर होगा इससे रिलेटेड वो आके इसमें कस्टम एज ए कस्टम बिडर पार्टिसिपेट करेगा, और जितने दिन आप यहाँ दे रहे हैं ड्यूरेशन में उतने दिन के बाद आप इस बिड को ओपन कर सकते हैं।